हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाले सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज एस्पिरिन, एसिटामाइनोफेन, फिनाइल ब्यूटाजोन और इंडोमिथासिन। द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। इनमें से कौन सा ड्रग एक्यूट गाउट के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं? एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन इज वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट। इंडोमिथासिन क्या होता है? तो इंडोमिथासिन एनसेड में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग में आता है इंडोमिथासिन। एनसेड के इंडोल डेरिवेटिव क्लास में आता है इंडोमिथासिन। इंडोल डेरिवेटिव क्लास में आता है इंडोमिथासिन। व्हाट इज फिनाइल ब्यूटाजोन? तो एनसेड के पायराजोलोन डेरिवेटिव में आता है फिनाइल ब्यूटाजोन। पायराजोलोन डेरिवेटिव होता है फिनाइल ब्यूटाजोन, ठीक है। एसिटामाइनोफेन होता है पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन होता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो ये होता है एस्पिरिन। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन, तो आपका आंसर क्या होगा? तो ये होता है रेज सिंड्रोम। रेज सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एस्पिरिन एंड द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स एट द रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम इज, तो इसका आंसर होगा एसिटामाइनोफेन। द ड्रग विच इज इंडिकेटेड फॉर द पेशेंट एट द रिस्क ऑफ रेज सिंड्रोम इज एसिटामाइनोफेन एंड द ड्रग विच कॉजेस रेज सिंड्रोम इज एस्पिरिन, ठीक है। एंड गाउट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्यूट गाउट और दूसरा होता है क्रोनिक गाउट। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं एनसेड्स, कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं एनसेड, कॉल्चिसिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। एंड क्रॉनिक गाउट में यूज करते हैं यूरिकोसुरिक्स एंड सिंथेसिस इनहिबिटर। यूरिकोसुरिक्स में आते हैं प्रोबेनेसिड, सल्फिन पायराजोन एंड सिंथेसिस इनहिबिटर में आता है आपका एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है, ज़ैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ठीक है। एंड द ड्रग वेरी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इज इंडोमिथासिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस। द एंटी टीबी ड्रग इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथम्ब्यूटॉल, क्लोराम्फेनिकॉल, रिफाम्पिसिन। कौन सा एंटी टीबी ड्रग होता है जो आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है, आरएनए सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, रिफाम्पिसिन। द एंटी टीबी ड्रग इनहिबिटिंग आरएनए सिंथेसिस इज रिफाम्पिसिन। फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है रिफाम्पिसिन एंड आरएनए सिंथेसिस इनहिबिटर होता है रिफाम्पिसिन। यूरिन डिस्कलरेशन इसका साइड इफेक्ट होता है, यूरिन डिस्कलरेशन होता है रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट, ठीक है। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर एंड इसका ओटोटॉक्सिक साइड इफेक्ट होता है, ओटोटॉक्सिक साइड इफेक्ट होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। एंड विच एंटी टीबी ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? विच एंटी टीबी ड्रग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो यह होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन को प्रेगनेंसी में नहीं देते, ठीक है। देन वॉट इज इथम्ब्यूटॉल? फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है इथम्ब्यूटॉल एंड ऑप्टिक न्यूराइटिस कॉज कराता है इथम्ब्यूटॉल। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज अ चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल, ठीक है। देन क्लोराम्फेनिकॉल, तो क्लोराम्फेनिकॉल प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर होता है और 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है, ठीक है। एंड अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ क्लोराम्फेनिकॉल, तो आंसर क्या होगा? तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय क्लोराम्फेनिकॉल। मेजर साइड इफेक्ट होता है क्लोराम्फेनिकॉल का ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ। मिथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ कोबालामाइन, फॉलिक एसिड, रिबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल। मिथोट्रेक्सेट, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, फॉलिक एसिड। मिथोट्रेक्सेट इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ फॉलिक एसिड। मिथोट्रेक्सेट होता है फॉलेट एंटागोनिस्ट। एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है मिथोट्रेक्सेट। डिहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मिथोट्रेक्सेट। टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग होता है मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। फॉलेट एंटागोनिस्ट होता है मिथोट्रेक्सेट। एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है मिथोट्रेक्सेट। डिहाइड्रोफॉलेट रिडक्टेज इनहिबिटर होता है मिथोट्रेक्सेट एंड टेरिडिन रिंग कंटेनिंग ड्रग है मिथोट्रेक्सेट।
ठीक है। देन व्हाट इज रिबोफ्लेविन? विटामिन B2 होता है रिबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल विटामिन ई, विटामिन ई होता है टोकोफेरॉल। एंड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, डेफिशिएंसी ऑफ रिबोफ्लेविन कॉजेस चीलोसिस एंड ग्लॉसिटिस। चीलोसिस एंड ग्लॉसिटिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस विथ पोटेंशियल फॉर ओटोटॉक्सिक इफेक्ट इज? इथम्ब्यूटॉल, डैप्सॉन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, INH, आइसोनियाजाइड। द एंटी टीबी ड्रग इनिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस विथ पोटेंशियल फॉर ओटोटॉक्सिक इफेक्ट, तो ये होता है ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऑप्शन सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का मेजर साइड इफेक्ट होता है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी आर एसोसिएटेड विद अमाइनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्ट्रेप्टोमाइसिन कॉजेस ओटोटॉक्सिक इफेक्ट, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आता है फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में, आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड रिफाम्पिसिन, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये होते हैं फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। एंड सेकंड लाइन एंटी टीबी ड्रग्स में आते हैं मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक, साइक्लोसेरिन एंड इथियोनामाइड, ठीक है। देन व्हाट इज डैप्सॉन? तो डैप्सॉन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रसी। डैप्सॉन को यूज करते हैं लेप्रसी में। डायअमीनो डायफिनाइल सल्फोन होता है डैप्सॉन। डायअमीनो डायफिनाइल सल्फोन इज डैप्सॉन। देन व्हाट इज द मेजर साइड इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल? तो इथम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस इज द चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथम्ब्यूटॉल, ऑप्टिक न्यूराइटिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक इज? ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, डियोजेनिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन और ओवेन। ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक, तो ये होता है ऑप्शन सी, डोपामाइन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ? द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इथोसक्सिमाइड, सोडियम वाल्प्रोएट, डाइजेपैम और क्लोराम्फेनिकॉल। तो स्टेटस एपिलेप्टिकस के ट्रीटमेंट के लिए इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन से ड्रग का यूज करते हैं? तो ये करते हैं ऑप्शन सी डाइजेपैम का। द प्रीफर्ड ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस इज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइजेपैम, ठीक है। देन व्हाट इज क्लोराम्फेनिकॉल? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है क्लोराम्फेनिकॉल। 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे प्रोटीन के सिंथेसिस को इनिबिट कराता है क्लोराम्फेनिकॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक? एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ऑलिंडोमाइसिन और वैनकोमाइसिन। तो इनमें से कौन सा माइक्रोलाइड एंटीबायोटिक नहीं है? तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो इनमें आता है एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन एंड ओलिंडोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ओलिंडोमाइसिन, ये तीनों मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। वैनकोमाइसिन इज नॉट ए मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। देन व्हाट इज द चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैनकोमाइसिन? तो वैनकोमाइसिन का चीफ एडवर्स इफेक्ट होता है रेड मैन सिंड्रोम। रेड मैन सिंड्रोम कॉज कराता है वैनकोमाइसिन। एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये इनिबिट करते हैं प्रोटीन के सिंथेसिस को 50S राइबोसोमल सब यूनिट पे। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स इनिबिट्स प्रोटीन सिंथेसिस एट राइबोसोमल 50S सब यूनिट, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चॉइस ऑफ ड्रग टू ट्रीट सेरिब्रल मलेरिया इज? The choice of drug to treat cerebral malaria is mepacrine, amodiaquine, quinine, primaquine. Cerebral malaria के treatment में drug of choice कौन सा होता है? तो ये आएगा आपका option C, quinine. Quinine is the drug of choice in the treatment of cerebral malaria. Then primaquine क्या होता है? 8-aminoquinoline. 8-aminoquinoline is primaquine. Then 4-aminoquinoline क्या होता है? 4-aminoquinoline बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज 4-अमाइनोक्विनोलिन? क्लोरोक्विन होता है 4-अमाइनोक्विनोलिन। प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन, 4-अमाइनोक्विनोलिन होता है क्लोरोक्विन, ठीक है। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ सेरिब्रल मलेरिया इज क्विनाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए चीफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ?
ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए चीप एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फा ड्रग्स, पायराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्ब्यूटॉल। तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया ऑप्टिक न्यूराइटिस इज ए चीप एडवर्स इफेक्ट ऑफ इथाम्ब्यूटॉल, ऑप्शन डी, इथाम्ब्यूटॉल कॉज कराता है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ठीक है, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग होता है इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन इज ऑल्सो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग, यूरिन डिस्कलरेशन कराता है, आरएनए सिंथेसिस को इनिबिट कराता है रिफाम्पिसिन, देन पायराजिनामाइड इज ऑल्सो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एंटी मेटाबोलाइट, फ्लोरोयूरोसिल, नाइट्रोजन मस्टर्ड, साइक्लोफॉस्फामाइड और क्लोराम्ब्यूसिल, एंटी मेटाबोलाइट। तो एंटी कैंसर ड्रग के एंटी मेटाबोलाइट क्लास में आता है ऑप्शन ए फ्लोरायोरासिल, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट होता है फ्लोरायोरासिल, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट। देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, फ्लोरायोरासिल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो फ्लोरायोरासिल इनिबिट थाइमिडिलेट सिंथेसिस, थाइमिडिलेट सिंथेसिस को इनिबिट कराता है फ्लोरायोरासिल। ठीक है, देन वॉट इज नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो एंटी कैंसर ड्रग के एल्किलेटिंग एजेंट में आते हैं नाइट्रोजन मस्टर्ड, साइक्लोफॉस्फामाइड और क्लोराम्ब्यूसिल भी आते हैं एल्किलेटिंग एजेंट में, एल्किलेटिंग एजेंट में आते हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल, थियोटेपा, ब्यूसल्फान, कार्मुस्टिन, लोमुस्टिन, डकारबेजिन, ये सब होते हैं एल्किलेटिंग एजेंट्स। और एंटी मेटाबोलाइट क्लास में कौन से ड्रग आते हैं, तो इनमें आते हैं फ्लोरायोरासिल, मीथोट्रेक्सेट, 6-मरकैप्टोप्यूरिन, अजाथियोप्रिन, साइटराबिन, ये सब होते हैं एंटी मेटाबोलाइट क्लास ऑफ एंटी कैंसर ड्रग्स। ठीक है, देन विनका एल्कलॉइड में कौन से आते हैं, तो विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये होते हैं विनका एल्कलॉइड्स। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग कौन सा होता है, तो ये होता है डॉक्सोरूबिसिन, एंटी कैंसर एंटीबायोटिक होता है डॉक्सोरूबिसिन, एंड मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग होता है डॉक्सोरूबिसिन। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इज, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर, पिलोकार्पिन, इप्राट्रोपियम, प्राजोसिन और साल्बुटामॉल, कौन सा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंकोडायलेटर होता है, तो ये होता है इप्राट्रोपियम, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग यूज्ड एज ब्रोंकोडायलेटर इज इप्राट्रोपियम, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव क्लास में आता है इप्राट्रोपियम, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है इप्राट्रोपियम। देन पिलोकार्पिन क्या है, पिलोकार्पिन होता है कोलिनर्जिक ड्रग, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आता है पिलोकार्पिन। ठीक है, देन वॉट इज प्राजोसिन, अल्फा ब्लॉकर होता है प्राजोसिन, प्राजोसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन, ये सब होते हैं अल्फा ब्लॉकर्स। देन साल्बुटामॉल होता है एड्रिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पैथोलाइटिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी बोलते हैं, एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स को पैरासिम्पैथोमाइमेटिक बोलते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होते हैं पैरासिम्पैथोलाइटिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटफॉर्मिन इज ए सल्फोनिल यूरिया, DPP-4 इनिबिटर, बायगोनाइड और अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर, मेटफॉर्मिन इज, मेटफॉर्मिन बिलोंग्स टू विच केमिकल क्लास ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स के कौन से क्लास में आता है मेटफॉर्मिन, तो मेटफॉर्मिन इज ए बायगोनाइड, ऑप्शन सी, मेटफॉर्मिन होता है बायगोनाइड, मेटफॉर्मिन और फेनफॉर्मिन होते हैं बायगोनाइड्स। देन सल्फोनिल यूरिया में कौन से ड्रग आते हैं, तो सल्फोनिल यूरियाज होते हैं टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ये सब होते हैं सल्फोनिल यूरियाज। देन DPP-4 इनिबिटर्स कौन से होते हैं, तो सिटाग्लिप्टिन, विडाग्लिप्टिन, सक्साग्लिप्टिन, एलोग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, ये ग्लिप्टिन वाले जो ड्रग्स होते हैं ये होते हैं DPP-4 इनिबिटर्स। देन अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर वोग्लिबोस, मिग्लिटॉल एंड अकार्बोज, अकार्बोज, वोग्लिबोस, मिग्लिटॉल, ये होते हैं अल्फा ग्लूकोसिडेज इनिबिटर। और अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि विच इज द लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया, तो आपका आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा क्लोरप्रोपामाइड, लॉन्गेस्ट एक्टिंग सल्फोनिल यूरिया होता है क्लोरप्रोपामाइड, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में आते हैं क्लोरप्रोपामाइड एंड टोलबुटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड होता है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरिया, क्लोरप्रोपामाइड एंड टोलबुटामाइड आर फर्स्ट जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज, एंड सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज में कौन से ड्रग आते हैं, तो ग्लाइपिजाइड, ग्लाइक्लाजाइड, ग्लाइमिप्राइड, ग्लाइबेनक्लामाइड, ये होते हैं सेकंड जनरेशन सल्फोनिल यूरियाज। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लार्जिन इज
ग्लार्जिन इज शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, पीकलेस इंसुलिन, ओरल इंसुलिन. ग्लार्जिन इज, तो ग्लार्जिन होता है पीकलेस इंसुलिन. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. पीकलेस इंसुलिन होता है ग्लार्जिन. शॉर्ट एक्टिंग में कौन से इंसुलिन आते हैं? तो रेगुलर इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग. रेगुलर इंसुलिन होता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन. इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में आते हैं इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, और इसे लैंटे भी कहा जाता है, लैंटे. एंड न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन, NPH, न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन और इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, ये आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन्स में, ठीक है. और पीकलेस इंसुलिन होता है इंसुलिन ग्लार्जिन. रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में कौन से इंसुलिन आते हैं? रैपिड एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आते हैं आपके लिस्प्रो, एस्पर्ट और ग्लूलिसाइन. लिस्प्रो, एस्पर्ट, ग्लूलिसाइन होते हैं रैपिड एक्टिंग. लॉन्ग एक्टिंग में कौन से आते हैं? तो लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडेक, डेटिमिर, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन. इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडेक, डेटिमिर, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन होते हैं लॉन्ग एक्टिंग. शॉर्ट एक्टिंग होता है रेगुलर इंसुलिन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मिनरल? मिल्क इज डेफिशिएंट इन विच मिनरल? फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन और पोटेशियम. मिल्क में कौन सा मिनरल नहीं होता? तो मिल्क में आयरन नहीं होता. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. मिल्क इज डेफिशिएंट इन आयरन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन इज स्टोर्ड एट, तो इंसुलिन को स्टोर्ड किया जाता है ऑप्शन बी 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे. इंसुलिन इज स्टोर्ड एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज इज नोन एज कशिंग्स डिसीज, फैब्रिस डिसीज, पार्किंसंस डिसीज, क्वाशियोर्कर एंड मैरेस्मस. प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज, तो प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज होता है क्वाशियोर्कर एंड मैरेस्मस. ऑप्शन डी, क्वाशियोर्कर एंड मैरेस्मस होता है प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज. देन कशिंग सिंड्रोम क्या होता है? कशिंग डिसीज, कशिंग डिसीज इज ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड. हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कॉजेस कशिंग डिसीज. एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनके ओवर प्रोडक्शन से होता है कशिंग्स डिसीज. एंड एड्रिनल ग्लैंड्स के हाइपोसिक्रीशन से कौन सा डिसीज होता है? हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कॉजेस एडिसन्स डिसीज. एडिसन्स डिसीज इज ड्यू टू हाइपोसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड एंड हाइपरसिक्रीशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड कॉजेस कशिंग्स डिसीज, ठीक है. देन फाइब्रिस डिसीज क्या होता है? अल्फा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है फाइब्रिस डिसीज. एंड व्हाट इज पार्किंसंस डिसीज? पार्किंसंस डिसीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन डोपामाइन लेवल. डोपामाइन लेवल कम हो जाने की वजह से होता है पार्किंसंस डिसीज, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट्स, सेक्स हॉर्मोन्स एंड विटामिन डी इज. द प्रीकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट्स, सेक्स हॉर्मोन्स एंड विटामिन डी. डिओस्जेनिन, कोलेस्टेरॉल, कैंपोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल. प्रीकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट्स, सेक्स हॉर्मोन्स एंड विटामिन डी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलेस्टेरॉल. कोलेस्टेरॉल होता है प्रीकर्सर ऑफ बाइल सॉल्ट्स, सेक्स हॉर्मोन्स एंड विटामिन डी. कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो C27H46O. C27H46O होता है कोलेस्टेरॉल का फॉर्मूला, ठीक है. चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेक्स्ट्रोमिथोरफेन इज यूज्ड इन कफ सिरप एज. डेक्स्ट्रोमिथोरफेन इज यूज्ड इन कफ सिरप एज एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक, ब्रोंकोडायलेटर, सप्रेसेंट. तो डेक्स्ट्रोमिथोरफन क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सप्रेसेंट होता है डेक्स्ट्रोमिथोरफन. डेक्स्ट्रोमिथोरफन एंड कोडेन आर सप्रेसेंट्स, ठीक है. एक्सपेक्टोरेंट में क्या आता है? तो एक्सपेक्टोरेंट में आ जाएगा ग्यूफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड एंड ग्यूफेनेसिन आर एक्सपेक्टोरेंट्स. म्यूकोलाइटिक में आते हैं ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन. एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टिन, कार्बोसिस्टिन एंड ब्रोमहेक्सिन, ये हो जाएंगे म्यूकोलाइटिक. ब्रोंकोडायलेटर होते हैं साल्बुटामोल, टर्बुटालिन, साल्मेटेरॉल, बाम्बुटेरॉल, ये हो जाएंगे ब्रोंकोडायलेटर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट. द फॉलोइंग आर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एक्सेप्ट. ओमेप्राजोल, रैबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एल्बेंडाजोल. तो इनमें से कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है, एक्सेप्ट पूछा है. कौन सा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है? तो एल्बेंडाजोल नहीं होता प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. एल्बेंडाजोल होता है एंथेलमेंटिक, ठीक है. ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल, ये तीनों प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में आते हैं ओमेप्राजोल, रैबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमाप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल.
ये सभी होते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ 15, 51 और 0.1। कौन से परसेंटेज में ग्लिसरॉल को एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 50%। ग्लिसरॉल में बी यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन ए परसेंटेज ऑफ 50। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट लीवर, ब्रेन, किडनी, स्टमक। तो ग्लाइकोजन लीवर में प्रेजेंट होता है, किडनी में होता है, स्टमक में होता है, ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में ग्लाइकोजन प्रेजेंट नहीं होता। ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यू एक्सेप्ट ब्रेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। दिस एंजाइम इज नोन एज प्लेटलेट्स कंटेन एन एंजाइम विच हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। दिस एंजाइम इज नोन एज कोलिनेस्ट्रेज, ट्रांसमाइनेज, कार्बोक्सिलेज और थ्रोम्बोकाइनेज। प्लेटलेट्स में कौन सा एंजाइम होता है जिसका क्लोटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, थ्रोम्बोकाइनेज होता है प्लेटलेट्स में, जिसका क्लोटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट रोल होता है। थ्रोम्बोकाइनेज हैज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोफाइलिन इज 1,3-dimethylxanthine, 1,3-dimethylyuric acid, 3,7-dimethylxanthine, 1,3,7-trimethylxanthine। थियोफाइलिन क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 1,3-dimethylxanthine। थियोफाइलिन होता है 1,3-dimethylxanthine। देन 3,7-dimethylxanthine क्या है? 3,7-dimethylxanthine होता है थियोब्रोमिन होता है 1,3-dimethylxanthine। एंड 1,3,7-trimethylxanthine होता है कैफेन होता है 1,3,7-trimethylxanthine। 3,7-dimethylxanthine होता है थियोब्रोमिन एंड 1,3-dimethylxanthine होता है थियोफाइलिन। कैफिन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन ये आते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स में। प्यूरिन एल्कलॉइड्स होते हैं कैफिन, थियोफाइलिन एंड थियोब्रोमिन। और प्यूरिन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी है? तो म्यूरेक्साइड टेस्ट होती है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए। म्यूरेक्साइड टेस्ट होती है प्यूरिन एल्कलॉइड्स के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ओके, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन ट्रैगर टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेफोनिन ग्लाइकोसाइड्स, एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, कोमेरिन ग्लाइकोसाइड्स। बॉन ट्रैगर्स टेस्ट, तो बॉन ट्रैगर्स टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स के डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं बॉन ट्रैगर्स टेस्ट का। ठीक है, एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो सेना, अलो, रूबार्ब, कास्कारा। सेना, अलो, रूबार्ब, कास्कारा ये होते हैं एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स। देन सेफोनिन ग्लाइकोसाइड्स में कौन से ड्रग आते हैं? तो सफ़ेद म्यूसली, ग्लिसराइजा, गोखरू, ब्राह्मी, जिनसेंग, डाइस्कोरिया, सेनेगा, शतावरी, करेला, ये सभी आते हैं सेफोनिन ग्लाइकोसाइड्स में। देन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में कौन से ड्रग आते हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं ओनियन, डिजिटालिस, थीवेशिया, स्ट्रोफेंथस। ओनियन, डिजिटालिस, थीवेशिया, स्ट्रोपेंथस ये होते हैं कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। एंड कोमेरिन ग्लाइकोसाइड्स, बाउची आता है कोमेरिन ग्लाइकोसाइड्स में। ठीक है, देन सेफोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सा होता है? तो सेफोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है फोम टेस्ट और हीमोलाइटिक टेस्ट। फोम टेस्ट, हीमोलाइटिक टेस्ट होते हैं सेफोनिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बॉन ट्रैगर टेस्ट। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के लिए लीगल टेस्ट, बालजेट टेस्ट, केलर किलियानी टेस्ट, रेमंड्स टेस्ट, बालजेट टेस्ट, लीगल टेस्ट एंड केलर किलियानी टेस्ट आर फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कोमेरिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए आती है यूवी लाइट टेस्ट। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।